मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय एक प्रेस वार्ता लेने के लिए राजनांदगांव जा रहे थे। इसी बीच भिलाई में भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुमित सिंह एवं वैशाली नगर खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजहर अली के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम के द्वारा घड़ी चौक सुपेला पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम भी वहाँ मौजूद थी। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे चर्चा की और पूछा कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र इतनी सुर्खियों में क्यों रहता है और अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी क्यों नहीं की गई। आप भी सुनिए ये क्या कह रहे हैं। अभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की जो विचार है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्य नीतियां हैं, जो घोषणा पत्र हैं और आने वाले समय में जो हम आम जनमानस के लिए करेंगे उसको लेकर के हर जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है। इसी कार्यक्रम के तहत मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तहत राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने राजनांदगांव जा रहा था। इस दौरान हमारे स्थानीय भिलाई के साथी सुमित भाई और बाकी लोगों के साथ जो है मिलने का, एक दूसरे से मेल मिलाप का अवसर मिला। आप सभी साथी जितने यहाँ आए हैं सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितनी एनर्जी है। आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है ये सारी एनर्जी कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ करके और छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारने में लगेगी और 75 पार का जो हमारा लक्ष्य है ये उत्साह दिखाता है कि हम 75 पार इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस होगी और पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी जो राज्य के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए समर्पित है, जो राज्य के युवाओं के विकास के लिए, उसके भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित है, रोजगार परक जो यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य का जो माहौल है उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा को लेकर के संजीदा है। सभी विधानसभा में हमारे जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो सभी एक दूसरे के सहयोग के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और भाजपा को 2018 में जिस तरह शिकस्त मिली थी उससे भी बुरी शिकस्त इस बार मिलेगी।